आज की वीडियो में आपकी स्किन को फेयर बनाने के लिए, गोरा बनाने के लिए मैं बताने वाली हूँ एक मैजिकल फेस पैक। हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रंजना एंड यू आर वॉचिंग योर चैनल रंजना ओरा। सो गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो मच टू लव मी हियर, टू सपोर्ट मी हियर। एंड जो भी व्यूअर मेरे चैनल पे आज न्यू है उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि माय चैनल इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट अ वुमन नीड। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शॉपिंग हॉल, बिग वीडियो, DIY और बहुत सारे प्रोडक्ट के नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू भी। तो ओवरऑल गाइस, चैनल आपके बहुत सारे पैसे बचाएगा और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया है तो गाइस थैंक यू सो मच। जस्ट बगल में आ रहा होगा नोटिफिकेशन बटन, उसको भी हिट कर लीजिए ताकि अब फ्यूचर में आपसे मेरी वीडियो मिस ना हो। सो माय ब्यूटीज, हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन फेयर लगे, गोरी लगे, हमारी स्किन पे किसी भी तरह के दाग धब्बे ना हो, हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन ना हो, रिंकल्स ना हो, फाइन लाइंस ना हो, ये सब कुछ ना हो। बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? नहीं गाइज। तो सबसे पहले तो आप उसको, जो भी आपकी स्किन टोन है, उसे रिस्पेक्ट करना सीखिए गाइज। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन टोन का रिस्पेक्ट करना है और उसकी बहुत अच्छे से केयर करनी है। अगर आप अपने चेहरे की केयर करते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आनी ही नहीं है, और जो आ भी रही होंगी वो सॉल्व हो जानी है। प्रैक्टिकली गाइस, आपकी स्किन टोन में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप काले हैं और आप गोरे हो जाएंगे। बट आज मैं आपको एक ऐसा मैजिकल फेस पैक बताने वाली हूँ जो आपकी स्किन को सच में फेयर बनाता है। आपका जो भी स्किन टोन होगा उसको इम्प्रूव करेगा, उसमें चमक लाएगा, शाइन लाएगा, उसे नीट एंड क्लीन बनाएगा, जिससे आपकी स्किन ऑटोमेटिक, जो भी आपका स्किन टोन है उससे आप अबव जाओगे और आपको खुद ही लगेगा कि आप गोरे हो रहे हो। यस गाइस, आज मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बताऊंगी जिसके लिए आपको मार्केट से बहुत कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ घर के एक इंग्रेडिएंट से, बहुत ही मामूली एक और इंग्रेडिएंट से, मतलब सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से आपको आपके चेहरे का बहुत ही ऐसा लगेगा कि आपको आपके चेहरे की टोन इम्प्रूव होते दिखेगी। और अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो नो डाउट गाइज, आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी स्किन धीरे 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 थोड़ी 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 करके स्किन टोन में इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट बस आपसे यही है कि जो भी आपकी स्किन टोन है उसको रिस्पेक्ट कीजिए और उसकी बहुत अच्छे से केयर कीजिए। साथ ही साथ गाइस, मेरी एक बहुत ही अमेजिंग सी ब्यूटीफुल सी सब्सक्राइबर है सपना सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही जल्दी में रिक्वेस्ट की थी और आज मैं उनकी वीडियो लेकर भी आ गई हूँ। तो सपना सिंह जी, आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर अपना कमेंट लिखिएगा। नाउ गाइस, अब जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो आपकी स्किन को फेयर बनाने वाले इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको लेना है लाल मसूर की दाल। इसका पाउडर गाइस मार्केट में आराम से आपको मिल जाता है। आप चाहे तो इसको घर पर भी बना सकते हैं। आपको इसको बहुत बारीक ग्राइंड करना होगा, ठीक है। ग्राइंड करने के बाद इसको छान लीजिएगा, और क्योंकि आप इसका पूरा ट्रीटमेंट करने वाले हो तो आप इसको स्टोर कर लीजिएगा किसी एयरटाइट कंटेनर में, लाइक दिस, ठीक है। तो नाउ गाइस, अब आपको क्या करना है, आपको लेना है रॉ मिल्क, कच्चा दूध। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है तो आप दूध ना लेके गुलाब जल ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट लेना है रॉ मिल्क गाइस। ये भी आपकी स्किन को फेयर बनाता है, बहुत अच्छे से क्लींस करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन में एक शाइन भी ऐड करता है। तो आपको लेना है एक खाली बोल, और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है पाउडर गाइस, इतना ही मैंने लिया है और ये भी नहीं लगना है, इतना पूरा आपको नहीं लगेगा, बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं फेस और नेक पार्ट के लिए यहाँ पर आपको प्रोपोर्शन बता रही हूँ। जैसा मैं गाइस बता रही हूँ बिल्कुल अगर आप वैसा करते हैं और कंटिन्यू रखते हैं इस चीज़ को, मैं आगे वीडियो में ये भी बताऊँगी कि आपको कितने टाइम तक रखना है, कब तक लगाना है, ये सारी चीज़ें। बट इसको ध्यान से देखिए गाइस, इतना मैंने लिया है, ये लगभग 1.5 टेबल स्पून है, ठीक है। अगर आपका जो चम्मच है वो थोड़ा बड़ा है तो आप एक ही लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया है, नेक्स्ट इसमें मिल्क अब ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप इसमें ना मिल्क एकदम से ऐड मत कर दीजिए, और साथ ही साथ ये मिल्क को ना थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी करता है। तो आपको इस पेस्ट को ना ही लिक्विडी रखना है और ना ही बहुत थिक रखना है। इसमें धीरे धीरे मिल्क करके मिलाइए, और याद रखिए कि इसमें किसी भी तरह का लम्स ना हो।
ये बहुत ही ज़्यादा ऑरेंजिस और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर का आपका फेस पैक बन के रेडी होता है। इसमें धीरे धीरे मैं मिल्क की क्वांटिटी मिला रही हूँ जैसे जैसे मुझे इसकी थिकनेस लगती जा रही है, क्योंकि हमें इसको ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और साथ ही साथ हमें इसको बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं रखना है। इस फेस पैक को इस तरह से धीरे धीरे मिक्स करते हुए जब आपकी डिज़ायर कंसिस्टेंसी मिल जाए तब आप इसमें दूध डालना बंद कर दीजिएगा। गाइज, ये दोनों ही सबसे स्ट्रॉन्ग स्किन वाइटनिंग एजेंट हैं, क्योंकि जो हमारा लाल मसूर की दाल होती है वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लींस करती है और साथ ही साथ ये नेचुरल स्क्रब होती है और इसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इंग्रेडिएंट लिया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है गाइस मिल्क, जो कि है लैक्टिक एसिड से भरपूर। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से दोनों चीज़ों को मिला लिया है और मिलाने के बाद यहाँ पर हमारा डिज़ायर्ड पेस्ट हो गया है रेडी। अगर गर्मियों में यूज़ करें तो इसको आप फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पर रेडी हूँ फेस पैक को लगाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ किया गाइस, नथिंग एल्स। आप हैंड से लगाइए या ब्रश से लगाइए, दोनों ही अच्छी चीज़ अच्छे से आपके चेहरे पर जाएगा, ठीक है। अब ये जो पैक है आप इसको देखिए, जब आप इसको अप्लाई कर रहे होंगे ना ये, तो ये थोड़ा सा गिरेगा, क्योंकि इसको आप चाहे जितना पतला और बारीक रखें ये थोड़ा सा सूखने के बाद ड्राई, थोड़ा सा ना दरबरा जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। तो आपको इसको अच्छे से लगाना है, इसकी जो कोटिंग करनी है वो आपको 2-3 बार करनी है अगर आपका पेस्ट थोड़ा सा पतला आपको लग रहा है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं सुखाना है। आपको फील होने लगेगा थोड़ा थोड़ा सा चेहरे पे टाइटनेस, और गाइस इसको लगाने के बाद आपको बोलना बिल्कुल नहीं है। तो आपको इसको हटाने के लिए एक तरीका रखना है गाइस, आपको ऐसे ही नहीं हटाना है, अपने हैंड को पहले गीला करना है, सूखे हैंड से तो बिल्कुल नहीं हटाना है। नाउ गाइस हियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ दिस फेस पैक। आप देखिए मेरे चेहरे पे, मेरे नेक पे और मेरे हैंड पे जो भी आपको स्किन टोन नज़र आ रहा है तीनों अलग दिख रहा है। रीज़न इज़ मेरे यहाँ स्किन टोन जो है वो फेयर है गाइज, बट पैक लगाने के बाद देखिए आप पूरा चेहरा बहुत ज़्यादा इवन लग रहा है और इस समय मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं है, इवन मॉइस्चराइज़र भी नहीं है। सिंपल मैंने वॉश किया है हैंड, नेक और फेस, इन तीनों को देखिए आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ ये फेस पैक कितना मैजिकली आपकी स्किन को फेयर बनाता है, आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन में बहुत ही अमेजिंग सा एक ग्लो भी लाता है। सो यस गाइज, मेरी ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर सपना सिंह जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लिखिएगा। इस पैक को आपको वीक में, पहले तो आप 3 डेज रेगुलर करेंगे, उसके बाद ऑलवेज आपको वीक में 2 टाइम्स ही यूज़ करना है, ठीक है गाइज, और रात में यूज़ करेंगे तो और भी अमेजिंग रहेगा, ठीक है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट या कोई भी एलर्जी वगैरह आपको नहीं होगी ड्यू टू सन टैन और ड्यू टू सन एक्सपोज, ठीक है। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं रंजना अब करती हूँ आपसे बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।